नमस्कार दोस्तों, मैं जी कृष्ण चौहान आपका हक इन क्रेज सॉफ्टटेक में स्वागत करता हूँ। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है स्टेटमेंट्स एंड इट्स टाइप। दैट मीन स्टेटमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप हैं और किस तरह से उनका प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, आज हम इन्हीं टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट्स के बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो भी प्रोग्राम है वो एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। उस प्रोग्राम में काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम स्पेसिफिकेशंस, कि प्रोग्राम में आप क्या कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होंगे। और स्टेटमेंट का क्या काम है, स्टेटमेंट आपके कंप्यूटर को, आपके कंपाइलर को बताता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको पर्टिकुलर ये टास्क परफॉर्म करना है। तो अगर आसान भाषा में हम समझना चाहें तो स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करता है। तो स्टेटमेंट्स के टाइप के बारे में हम जानते हैं। स्टेटमेंट्स हमारे तीन टाइप के होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, दूसरा है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स और तीसरा जंपिंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जो भी होता है वो आपका पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि आपके प्रोग्राम के फ्लो को किस ब्लॉक पर जाना है, कौन सा आपका प्रोग्राम ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। और अगर हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के टाइप्स की, तो यहाँ पर ये इन कुछ टाइप्स का अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग में। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, और स्विच स्टेटमेंट और नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स। तो ये टाइप थे हमारे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के। सो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो भी हमारा इस स्टेटमेंट का एक सब पार्ट है या फिर कह सकते हैं इसका एक सब टाइप है, जिस तरह से हमारा डिसीजन मेकिंग था। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये एक पर्टिकुलर इस तरह का स्टेटमेंट होता है जो कि रिपीटेड काम करता है। यानी कि सेम टास्क अगर आपको एन नंबर्स ऑफ टाइम चलाना है या फिर पर्टिकुलर कंडीशंस तक चलाना है तो आप लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि लूप यानी कि बार बार होने वाले काम को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। अगर हम सिंपल शब्दों में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को समझना चाहें तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट एक इस तरह का स्टेटमेंट होता है जो कि एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल टाइम, जबकि हम प्रोग्राम में बस एक स्टेटमेंट लगाते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट के थ्रू हमारा वो टास्क रिपीटेडली परफॉर्म होता है, हमको बार बार वो टास्क नहीं करना पड़ता। तो उससे हमारी लाइन ऑफ कोड और टाइम दोनों सेव होते हैं। और अगर हम बात करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के टाइप की, तो ये कुछ इन टाइप्स का है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मीन एक लूप के अंदर दूसरा लूप आना, जैसे फॉर लूप के अंदर हम डू व्हाइल या व्हाइल लूप का यूज़ करने लगे। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जंपिंग स्टेटमेंट्स। तो जंपिंग स्टेटमेंट ये होता है कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंडीशन में है और पर्टिकुलर एक ब्लॉक से हमको दूसरे ब्लॉक पर जंप करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से हम दूसरे स्टेटमेंट पर अगर जंप करते हैं तो वो आता है हमारा जंपिंग स्टेटमेंट के इंक्लूड, और ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ये सभी हमारे जंपिंग स्टेटमेंट के इंक्लूड आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम सभी डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, इफ इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर और स्विच स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, सभी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम जानेंगे जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में भी कि किस तरह से हम प्रोग्राम में जंपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू और एग्जिट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप हमारे इन वीडियोस को प्लीज़ हिट लाइक कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि वे भी अपनी प्रोग्रामिंग
कोर प्रोग्रामिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और हाँ, हमको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तभी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के बनाने के लिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको समझ नहीं आया है तो भी आप हमको डिमांड कर सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट पर हम वो वीडियो आपके लिए बनाकर अपलोड कर देंगे। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, हकीन फिरोज सॉफ्ट टेक की ओर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।